चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है सेक्शन डी का सब नंबर 9 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर है 246। हमें एक्सपांड करना है। यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन मेथड से हमें यूज़ करना है, सम करना है, सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब भी मैं ये सम करवाता हूँ आपको ये क्लियर होना चाहिए, √3 × √3 वो हो जाएगा 3। रूट के साथ रूट मल्टीप्लाई करता है तो रूट निकल जाता है। सेम वे यहाँ पे √x × √x तो हो जाएगा सिर्फ x। यहाँ पे √5 × √5 तो हो जाएगा 5। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आप ध्यान से देखोगे तो हमें दो बाइनोमियल टर्म दिए हुए हैं, तो दोनों बाइनोमियल टर्म का हम शुरू करते हैं। लिखने की पैटर्न थोड़ी डिफरेंट होगी, जब भी हम रूट वाले सम करेंगे तो हमें 3 दिया हुआ है पावर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में एज यूजुअल दो ब्रैकेट हम करते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट हमने कर दिए, ब्रैकेट यहाँ से बड़ा वाला क्लोज। यहाँ पे पहला है √7, तो यहाँ पे लिखा √7, यहाँ पे लिखा √7, यहाँ पे लिखा √7, 1 1 1 1, और यहाँ पावर है 3, तो 3 पावर है तो 3 2 1 0, और यहाँ पे 0 1 2 3। पहला स्टेप ये क्लियर होना चाहिए। जैसे ये स्टेप क्लियर है तो बच्चा अब ध्यान से समझना, यहाँ माइनस है और आगे भी माइनस है, तो थोड़ा शांति से समझ के करना है। पहले तो यहाँ बाहर का माइनस एज इट इज़ लिख दिया, और सम को मैं आगे पहले लिखूं 3c0, क्योंकि यहाँ पे भी पावर तो 3 ही है, 3c1, 3c2 एंड 3c3। अब जो मेन पॉइंट है, ऑलवेज आगे यहाँ पे जब बीच में माइनस होगा तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, बाद में प्लस और बाद में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चेंज होता रहेगा। अब दो ब्रैकेट एज यूजुअल हम करते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट कर दिए और यहाँ पे, तो जैसे ये पॉइंट करते हैं तो यहाँ पे √7, यहाँ पे √7, यहाँ पे √7 और यहाँ पे √7, यहाँ पे 1 है तो एज इट इज़ 1 लिख दिया, 3 2 1 0, 0 1 2 3। अब बच्चा ये स्टेप करने के बाद जो मास्टर स्टेप है, जो आपसे गलती होगी, वो पॉइंट बहुत सिंपल ध्यान रखना है। यहाँ पे बच्चा क्या ध्यान रखना है, ध्यान से देखोगे ना बच्चा तो आगे जो साइन है वो माइनस की है यहाँ, तो मुझे जैसे मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जो यहाँ पे प्लस है वो माइनस हो जाएगा, बाद में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, नई साइन ये हो जाएगी। तो इसके साथ बच्चा मुझे क्या ध्यान रखना है, जो माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये स्टेप पूरा चला जाएगा, दूसरा ये माइनस और प्लस वाला स्टेप पूरा चला जाएगा। ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। ये आ गया तो आपका समझ लो सम मेजोरिटी ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई करना है तो सिंपल, पहले तो हमारे पास कौन से दो स्टेप बचे, 1 2 3 4, तो लिखने के लिए हम आगे 2 लिख देंगे और जो दो स्टेप बाकी है वो लिखेंगे 3c1, यहाँ √7 पावर 2 और 1 की पावर 1 और प्लस करेंगे, और दिस जो है 3c3 और यहाँ पे √7 की पावर 0 और यहाँ 1 की पावर 3 और आगे जाएंगे। यहाँ पे 2 एज इट इज़, यहाँ पे हम लिखेंगे 3c1 का 3। जब भी मैंने अब भी समझाया, √√ करते हैं तो रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 1, 3c3 1 हो जाएगा, ये रूट 0 है, पावर √7 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो हम आगे जा सकते हैं, तो यहाँ पे 21 और ये 1, आगे चलते हैं तो 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 44 हो जाएगा। तो है बच्चा सिंपल मेथड, इसका जो आंसर है वो 44 है। सिंपल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। मुझे जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, शांति से स्टेप समझो, कैसे ये प्लस माइनस हुआ वो ध्यान रखो और प्रॉपर नोटबुक में लिखो तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।